अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से आए दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग बिना सामान लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में अफगानी नागरिकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक लोग यहां महंगे भोजन और पानी की वजह से भूखे प्यासे रहने को मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर एक पानी की बोतल $40 यानी ₹3,000 में मिल रही है, जबकि चावल की एक प्लेट के लिए $100 यानी लगभग ₹7,500 खर्च करने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर पानी या खाना कुछ भी खरीदना हो, यहां अफगानिस्तान की अपनी करेंसी नहीं चल रही, सिर्फ डॉलर में ही भुगतान स्वीकार किया जा रहा है। इतनी महंगाई के कारण लोग भूखे प्यासे कतार में लगे जा रहे हैं। सबसे मुश्किल हालात में बच्चे पड़ गए हैं, जो कि भूख और प्यास के कारण बेहोशी की हालत में पहुंच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी 50,000 से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें हवाई अड्डे के अंदर जाने की अनुमति दी गई। एयरपोर्ट के बाहर हालात और भी बुरे हैं, जहां हजारों लोग अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं।